तो यार अभी एल्विश यादव की कल रात से ये फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। कई न्यूज चैनल वाले इस फोटो का फेक थंबनेल बनाकर ये लिख रहे हैं कि एल्विश यादव फाइनली पकड़ा गया। यार एल्विश यादव को कोटा के अंदर नॉर्मल सिर्फ चेकिंग के लिए रोका गया था, बाकी की डिटेल यार उन्होंने अपने आज वाले व्लॉग में दिए। एक बार आप उनकी व्लॉग की छोटी सी क्लिप देखिए। दूसरी चीज भाई, एक खबर बहुत ज्यादा फैल रही है कि एल्विश यादव को कोटा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एल्विश यादव भागने की कोशिश कर रहा था और ऐसे ऐसे उसको धर लिया गया। अब नोएडा पुलिस आ रही है और उसको अरेस्ट करके ले जाएगी, कोर्ट में पेश करेंगी। राजस्थान पुलिस ये करेगी वो करेगी, ये चल रहा है वो चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है भाई, चल पड़ी। मैं एल्विश यादव अरेस्टेड यहाँ बैठा हूँ, मैं अरेस्टेड देखो मेरे हाथों में हथकड़ी देख लो भाई। भाई जिसे नहीं पता, मैं साफ शब्दों में क्लियर कर दूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जो कोटा पुलिस वाली आप न्यूज़ देख रहे होगे उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कोटा मतलब राजस्थान में जैसे मैं एंटर हुआ, तो इस टाइम चल रहा है इलेक्शंस का टाइम, अभी अगले महीने इलेक्शंस हैं, तो चेकिंग होती है, एंट्री होती है। किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में आप एंटर करते हो बाय रोड, तो आपकी व्हीकल का एंट्री होती है, रजिस्टर में लिखते हैं वहाँ पे, जो नॉर्मल नाके की पुलिस होती है। तो सेम कई चेक पॉइंट से मैं गुजरा, मैंने एंट्री कराई गाड़ी की, अपनी एंट्री भी कराई बड़ी पीसफुली। एक नाके पे मेरे को पहचाना कि ओ अच्छा, उनने फोटो भी खिंचवाई, मेन चीज़ तो ये उनने फोटो भी खिंचवाई। ऑल दो उनने न्यूज़ में नाम दे दिया कि ऐसे ऐसे, न्यूज़ वालों का तो काम है चलो बड़ा चढ़ा के दिखाना, सारी चीज़ें दिखाई। उनने फिर क्या कहा कि आपका तो मुकदमा चल रहा है नोएडा पुलिस में। मैंने कहा अच्छा, तो राजस्थान में तो नहीं चल रहा ना, और अगर कुछ होगा तो नोएडा पुलिस देख लेगी। तो उन्होंने फिर भी वो चीज़ कंफर्म करने के लिए नोएडा पुलिस से संपर्क करा जहाँ पे रजिस्टर्ड है FIR। उन्होंने बोला अरे यार कि एल्विश यादव वांटेड नहीं है। तो यार अभी उन पुलिस ऑफिसर का भी स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है भाई, जिन्होंने एल्विश यादव को रोका था, एक बार आप देखिए। और ये जिसको वो यकीन नहीं आ रहा, मैं जो वहाँ के SHO साहब थे राजस्थान पुलिस के, कोटा पुलिस के, उनकी वीडियो अटैच कर देता हूँ, एक बार ये वीडियो देखो। नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी, दौरान चेकिंग एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई, तो एक ने अपना नाम एल्विश यादव करके बताया था। एल्विश यादव को ये पता चला कि नोएडा में कोई प्रकरण दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा में संबंधित थाने के DCP साहब और ACP साहब से बातचीत करके, और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज किया। तो यार एल्विश यादव के खिलाफ जो ये फेक न्यूज वगैरह फैल रही है, इन सब पर आप लोगों के क्या ओपिनियन है मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आपको एल्विश यादव की ये पूरी वीडियो देखनी है तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।